हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरा किचन गार्डन पहले देखा ही था, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए गोभी, गोभी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और बहुत जल्दी इस पर गोभी बनना स्टार्ट हो जाएगी। पालक और मेथी की हार्वेस्टिंग चल रही है और ये देखें, ये गोभी इधर भी लगी हुई है और ये हमारी गोल वाली मिर्ची, मैं इसे लड्डू मिर्ची भी बोलती हूँ, और सीड्स भी मैं इसके और तैयार कर रही हूँ। क्योंकि ये एक इसे दो पौधा अगर आपके गार्डन में हो तो आपको बिल्कुल बीज चिली मार्केट से लाने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक किचन गार्डन का नहीं है, आज है बहुत ही खूबसूरत पौधे का जिसे हम गेंदा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, गेंदे की देसी, हाइब्रिड, जाफरी और कई सारी वैरायटियाँ आती हैं। तो देखें, ये मेरा गेंदा है, ये वो वाला गेंदा है, इसे देसी वैरायटी भी बोल देते हैं। ये गेंदा है हमारा जिसकी माला बनती है, जैसे पूजा वगैरह में हम माला बनाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है इसे उगाने का, तो चलिए मैं बताती हूँ। पहली बात तो आपके पास हज़ारों फूल होंगे गेंदे के, तो गेंदे के हज़ारों फूल कैसे लाएँ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम गेंदे के हज़ारों पौधे कैसे उगाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री में कैसे उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये गेंदा जो था ये मैंने बरसात में लगाया था और इससे देखिए ये अलग पेड़ है, ये एक पौधा मैंने तैयार किया और कुछ और भी पौधे तैयार किए हैं कटिंग से। तो चलिए पहले मैं उन्हें आपको दिखा देती हूँ, फिर बात करेंगे कैसे हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, ये भी उसका एक पौधा है, देखिए कितना बड़ा और कितनी बहुत ही सारी कलियाँ इसमें आ रही हैं, और एक पौधा ये है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग से लगाए हैं, तो गेंदे की कटिंग आप इस समय भी लगा सकते हैं और बरसात में तो ईजिली लग ही जाती है। इसमें कुछ रूटिंग्स देखिए इस तरह से निकलती हैं। तो कटिंग से तो हम हज़ारों पौधे नहीं उगा सकते, पर जो मैं तरीका बताऊंगी उससे आप हज़ारों पौधे उगा सकते हैं। ये देखिए इसमें कैटरपिलर, ये दिखाई भी नहीं देती हैं हमें और हमारे पौधों को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। मैं सोच रही थी इसकी कलियां खाली क्यों हैं, तो अब मैंने देखा कि ये कलियां इसकी वजह से खाली हैं। चलिए इसे हम बाद में हटाएँगे। तो कटिंग से हम बहुत ज़्यादा पौधे, 10-20 पौधे तो बना सकते हैं, पर हज़ारों सौ की संख्या में हम पौधे नहीं बना सकते हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे आपको हज़ारों पौधे तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा जाफरी गेंदे का पौधा, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं। अगर आपने पहले वीडियो मेरे देखते हैं, चैनल विज़िट करते हैं, तो देखा होगा कितना कमज़ोर सा ये पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी और मैंने इसे कितना घुसी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि हमारा हज़ारों फूलों का नहीं है या सौ फूलों का नहीं है, पौधे कैसे लगाने हैं उसका है, तो चलिए उस पर ही हम अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने गेंदे से कुछ पुराने फूल हटा लेने हैं। हमारा हज़ारी गेंदा है जिसे हाइब्रिड गेंदा भी हम बोल देते हैं, तो इस पर भी देखिए कालियों की भरमार है। मेरे इस पौधे पर भी बहुत ही लो कंडीशन में इसे मैं लेके आई थी, पर मैंने इसे काफ़ी गुशी बना लिया है और देखिए इसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप नर्सरी जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं, आपको सूखे पुराने फूल दिखाई दें, जैसे कुछ डल हो जाते हैं, ये फूल हल्के रंग हो जाते हैं, तो उन्हें आपको तोड़ लेना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसे एक दो दिन सुखा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं सुखा नहीं रही हूँ, मैं आपको ताज़े फूल से ही बता दे रही हूँ। तो हमें इस तरह से इसके ये सीड्स निकाल लेने हैं, ये जो होते हैं पत्तियों के नीचे ब्लैक ब्लैक से, ये इसके सीड्स होते हैं। अगर आपने कभी गेंदे के सीड्स खरीदे हों तो आपको पता होगा। और हमें किसी भी अपने, ये तो ज़मीन है, गमले वगैरह में इन्हें डाल देना है कुछ इस तरह से, और फिर इनके ऊपर हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की मिट्टी हमें डाल देनी है। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये सीड्स हमारे जर्मिनेट हो जाएंगे और हमें फ्री में बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये नर्सरी वालों का सीक्रेट तरीका है, वो हमें नहीं बताते हैं, और इसी तरह से वो एक गेंदे से हज़ारों पौधे तैयार कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप भी इस तरह से फ्री में पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। बस मैंने तो आपको बताने के लिए ये सब किया है, पर आपको सुखाना ज़रूर है इसके सीड्स को, तब ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। रिज़ल्ट आपको इस तरह के गेंदे में भी दिख जाएंगे, अगर मैच्योर फूल, मतलब सूखा हुआ फूल होगा। अगर सूखा हुआ नहीं होगा तो आपको कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, जब तक कि इसके सीड्स ब्लैक नहीं हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पौधे अपने द्वारा तैयार किए हुए। तो फ्रेंड्स देखें, ये मैंने पौधे कुछ तैयार किए थे, इन्हें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और अभी कुछ ट्रांसफ़र होने बाकी हैं। तो चलिए बाकी के पौधे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इन पड़े हुए फूलों को आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें
कुछ ग्रीन ग्रीन सा आपको जर्मिनेशन दिखाई देगा, वही इसकी ग्रोथ है। ऐसे ही इसे पौधे तैयार होते हैं। फ्रेंड्स देखें, कुछ पौधे हमारे ये तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से मैं बहुत सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अगर घर में कम पौधे हों तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। नर्सरी से एक दो गेंदे के फूल लगा कर काम नहीं बन पाता है मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत सारे पौधे गेंदे के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात है ये हमारे जो सब्जियों के प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं, आपको बहुत सारे पौधे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।